सुनील और असीफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा, पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और असीफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है, तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहाँ से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त, इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। असीफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। असीफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं, वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही। पर हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी असीफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बंबू तो है, बंबू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बंबू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बंबू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है, पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। असीफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे, उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बांबू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बांबू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बांबू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया।
अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और दो केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई तू तो ऐसी लाजवाब बाम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहां मेहनत मजदूरी कर रहा है, इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई, ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई, मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त, उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है, हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। ये कहानी समुद्र के लुटेरे शमशेर की है, जो कि जाना माना समुद्री लुटेरा था। अपने साथियों के साथ उधम मचाना ही उसका काम था। शमशेर और उसके साथियों को जैसे ही मौका मिलता, वो आकर गांव और बस्तियों को लूट कर चले जाते। मैंने सुना है कि रामनगर में सोने की खदान है, वहाँ हमें जाना चाहिए। उस जगह से इतना सोना आ जाएगा कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से निकल जाएगी। जी उस्ताद, और मैं तो थक गया हूँ इस लूटमारी से। एक बार ही हमला करेंगे, जमकर करेंगे। शमशेर अपने साथियों के साथ उस सोने के खदान में पहुंच जाता है और वहां जाते ही उसे समुद्र देवता का श्राप लग जाता है। कपटी दुष्ट, तू यहां तेरे करतूतों की वजह से नहीं बल्कि मेरी माया की वजह से आया है। इस सोने की खदान में जो भी आएगा वो समुद्र में बंदी बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन तुझे उसी एक टापू पर बिताना होगा और अगर एक भी कदम बाहर रखा तो तुम्हारे प्राण संकट में होंगे। उस टापू से निकलने का उपाय सिर्फ लोगों की सेवा करना है। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। समुद्र देवता के श्राप से शमशेर और उसके साथी एक टापू में फंस गए थे, जहां कई साल रहने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी।
पूरे 2 साल हो गए, ना हम बाहर जा सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई आ रहा है। ये कैसा पाप कर दिया है हमने? क्या करें उस्ताद, मैं भी आपके साथ फंस गया हूँ। ये श्राप कैसे टूटेगा ये मुझे भी पता नहीं। समुद्र देवता का श्राप लोगों की भलाई और लोगों की सहायता करने से ही टूटेगा, इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। शमशेर और उसके साथी बात कर ही रहे थे कि समुद्र से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े में रघुवीर उनके पास आ पहुंचा, जो कि बहुत बुरी हालत में था। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब न जाऊं। मालिक वो देखिए, वहाँ से एक आदमी आ रहा है और वो कहीं डूब न जाए। मैंने 2 साल में आदमी पहली बार देखा है, इसे इस टापू पर बुलाओ, हमारी सारी मदद हो जाएगी। जी ये रस्सी समुद्र में डाल दो और उससे हमारे पास खींच लो। उन समुद्री लुटेरों ने रघुवीर के लकड़ी के छोटे से टुकड़े के पास एक रस्सी फेंकी और उसे अपने टापू पर खींच लिया। शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मेरा क्या होता पता नहीं। तुम सब लोग हो कौन? हम समुद्री लुटेरे हैं, इस टापू पर कैद हैं, और तुम हमारी उम्मीद हो जो हमें इस टापू से बाहर निकाल सकेगी। रघुवीर उनकी बातें सुनकर डर गया, तब शमशेर ने उसे सारी बातें बताई। तुम सबके साथ तो बहुत बुरा हुआ, हाय राम, अब कैसे बाहर निकलोगे? मेरा तो चलो ठीक है, मैं किसी ना किसी की मदद ले लूंगा, लेकिन तुम लोग? तुम हमें यहाँ चिढ़ाने आए हो या हमारी मदद करने? और याद रखना, मैं समुद्री लुटेरा हूँ। तुमने कहा कि श्राप लोगों की मदद करने से टूटेगा, तो क्यों ना तुम ढाबा खोल लो। तुम्हारी नाव से मैं लोगों को यहाँ ले आया जाया करूँगा, जिससे लोगों का आना जाना होगा। तुम इस टापू पर ही रहोगे और इससे तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और मैं झींगे मछली सब बहुत अच्छा बनाता हूँ। सही कहा रघुवीर भाई साहब ने, एक यही जरिया है हमारे बाहर जाने का। तो फिर ठीक है, हम आज से ही सारी तैयारी करेंगे। इस टापू से लकड़ियाँ काट कर एक बढ़िया बड़ा सा ढाबा या रेस्टोरेंट बनवाओ। शमशेर की बात सुनकर उसके साथियों ने वैसा ही किया, एक बड़ा सा समुद्री ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। ये हुई मेरी समुद्री ढाबा बनकर तैयार। रघुवीर इसके आगे अब सब तुम्हें देखना है, कैसे भी करके ग्राहकी बढ़ाओ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लोगों को कैसे भी करके ले आऊंगा, तुम बस अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार रखो। तुम उसकी चिंता मत करो, जो आकर खाएगा वो उंगलियां चाटकर जाएगा। शमशेर और उसके साथ ही मिलकर ढाबे के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सब मिलकर मछलियाँ, झींगे और कई सारे पकवान बनाकर तैयार कर देते हैं और रघुवीर के इंतजार में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रघुवीर लोगों को समुद्री ढाबे में आने का आमंत्रण देता है। आओ आओ समुद्री ढाबे में आओ, अच्छे अच्छे पकवान खा कर जाओ, शहर की भाग दौड़ से बच जाओ। आओ आओ आओ, परिवार के साथ आओगे तो डबल ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। समुद्री ढाबा, ये क्या है भाई साहब? हम तुम्हें समुद्र के बीचों बीच ले जाकर ढाबे का खाना खिलाएंगे, ठीक पानी के बीच। ये सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, मैं सबको आपके ढाबे पर लेकर चलूंगी। समुद्री ढाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जल्दी करो, सब लोग समुद्र के किनारे वाली नाव पर चढ़ जाओ, तुम सभी को मैं समुद्री ढाबे पर लेकर चलूंगा। रघुवीर सबको नाव में बिठाकर समुद्र के ढाबे में लेकर जाता है। वहां जाकर देखता है कि शमशेर और उसके साथियों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। शमशेर उन सभी ग्राहकों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह रघुवीर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इन सबका पेट और मन अच्छे से भर जाएगा तो हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे और हम दोबारा लुटेरा नहीं बनेंगे, सिर्फ ढाबा चलाकर ही अपना गुजारा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, किसे चोरी करना अच्छा लगता है, वो तो हालात बुरे हो जाते हैं। चलो सबको खाना बांटो। शमशेर और उसके साथियों ने सबको खाना खिलाया। सब बड़े चाव से मछलियाँ खा रहे थे, जिसे देखकर रघुवीर और शमशेर दोनों ही बड़े खुश थे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा, हम ये काम करते रहेंगे। ये काम हमें तब तक करना है जब तक समुद्र देवता प्रकट न हो जाए, वो जरूर हमारी विनती सुनेंगे। रघुवीर शहर से लोगों को समुद्री ढाबे में लेकर आता है। लोग आते गए और शमशेर अपने समुद्री ढाबे से लोगों का पेट भरता गया। धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। एक दिन एक भिखारी नाव में बैठकर समुद्री ढाबे पर आया, जिसे देखकर शमशेर ने कहा, आप कौन?
मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं आया ही पहली बार हूँ। अरे ये एक भिखारी है, इसे बड़ी भूख लगी थी इसलिए मैंने इन्हें नाव में बिठा लिया। इन्हें भी आज खाना खिला दो। ये भी कोई कहने की बात है? ये काम तो हम जरूर करेंगे। मैं तुम्हारे परिश्रम और अच्छे भाव से प्रसन्न हुआ शमशेर। तुमने अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से बदल दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को यहाँ से आजाद करता हूँ। मैं हर एक चीज समझ और सीख चुका हूँ। अब से मैं इस टापू पर समुद्री ढाबा चलाया करूँगा और लोगों की भूख मिटाया करूँगा। इसीलिए मेरा एक वरदान है तुम्हें। तुम और तुम्हारे साथी इस ढाबे में जो भी बनाओगे वो कभी समाप्त नहीं होगा, आजीवन चलता रहेगा। तथास्तु। शमशेर और रघुवीर ने अपना जादुई समुद्री ढाबा चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे शहर और मोहल्लों के लोग भी समुद्री ढाबे का बोलबाला हो गया और सब हंसी खुशी वहां आने लगे। अब शमशेर और उसके साथी श्राप मुक्त होकर शहर और गांव घूमने जाया करते थे। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। श्रीनु एक गरीब डोसे वाला था। वो अपनी साइकिल पर डोसा बनाकर बेचा करता था। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। बहुत कम लोग श्रीनु की आवाज सुनकर उसके पास डोसा खाने आया करते थे। श्रीनु का डोसा स्वादिष्ट तो था पर फिर भी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं थे। वो अक्सर परेशान होकर घर लौटता था। क्या हुआ, आज भी धंधा अच्छा नहीं था क्या जी? पता नहीं क्या हो गया है, आजकल लोग पहले की तरह डोसा खाते ही नहीं है। अप्पा, आजकल लोगों को बर्गर, पिज्जा ऐसी चीज बहुत पसंद है। आजकल किसी को भी डोसा पसंद नहीं है अप्पा। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ जरूर होगा। अप्पा, आप भी कुछ और चीज क्यों नहीं बेचते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे तो सब बनाना नहीं आता है जी, मुझे तो बस डोसा बनाना आता है। मुत्थू परेशान था कि वो कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए। दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती ही जा रही थी। अगली सुबह श्रीनु जल्दी घर से निकला और इस दिन वो हमेशा से अलग रास्ते पर चल पड़ा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। इस रास्ते में जिम था। जिम के बाहर काफी गर्दी थी। यहाँ इतनी भीड़ है, मुझे यहीं आवाज लगानी चाहिए, आज जरूर मेरी अच्छी कमाई होगी। श्रीनु जोर जोर से आवाज लगाने लगा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। श्रीनु की आवाज सुनकर एक बॉडी बिल्डर उसके पास आया। क्या बनाऊं जी? कुछ नहीं, हम ये सब नहीं खाते। तुम्हारे पास कोई चिकन या अंडे वाला डोसा हो तो बनाओ। अंडा डोसा? हाँ, वो नहीं है ना जी। तो एक काम करो, कल ऐसा डोसा बनाना और फिर यहाँ आना। ठीक है जी। श्रीनु अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। उस पूरे दिन श्रीनु ने अलग अलग जगहों पर डोसे बेचे। कई लोगों ने उसके डोसे चाव से खाए। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज अच्छा धंधा हुआ क्या? धंधा तो ठीक ही हुआ है, पर आज मुझे एक नया आइडिया मिला है। कैसा आइडिया? अंडे डोसे का। अंडा डोसा? जी, और सबसे पहले हम लोग अंडा डोसा खाएंगे। जा मुत्तू, दुकान से 6 अंडे लेकर आ। श्रीनु ने मुत्तू को पैसे दे दिए और दुकान भेज दिया। कुछ देर बाद मुत्तू अंडे लेकर आया और फिर श्रीनु ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। उसने हमेशा की तरह डोसा का आटा तवे पर डाला और फिर एक ग्लास में अंडे को फेंट कर उस डोसे पर डाल दिया और फिर उसमें मसाला छिड़क दिया। दिख तो अच्छा रहा है, चक्कर देखते हैं। श्रीनु और लक्ष्मी ने वो अंडा डोसा चखा। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा है। अप्पा, मुझे भी दो। मुत्थू ने भी डोसा चखा और उसे भी अंडा डोसा भा गया। उस दिन पूरे परिवार ने अंडा डोसा ही खाया। अगली सुबह श्रीनु अपने डोसे की साइकिल लेकर वापस जिम की ओर निकला। इस बार उसकी साइकिल पर अंडे की ट्रे भी थी। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। अंडा डोसा का नाम सुनकर आसपास के कुछ लोग उसके पास आए, साथ ही वो बॉडी बिल्डर भी। सच में अंडा डोसा मिलेगा?
हाँ जी, मेरे लिए एक अंडा डोसा बनाओ। और फिर श्रीनू ने डोसे पर अंडा फेंट कर डाला और उस बॉडी बिल्डर को अंडा डोसा दे दिया। अंडा डोसा खाते ही बॉडी बिल्डर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, कमाल है दोस्त, सोचा नहीं था कभी अंडा और डोसा एक साथ खाऊंगा, एक और बनाना। वो बॉडी बिल्डर अंडे डोसे खा गया और उसके बाद दूसरा भी। कई और बॉडी बिल्डरों ने अंडे डोसे के ऑर्डर किए। मुझे एक मसाला अंडा डोसा, मुझे भी एक अंडा डोसा। अंडे डोसे ऑर्डर दिए। श्रीनू अंडा डोसा बनाते गया और ग्राहक खाते गए। श्रीनू बीच बीच में आवाज लगाता गया जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता गया। डोसा अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। एक के बाद एक ग्राहक आते ही जा रहे थे। कुछ ही घंटों में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। लक्ष्मी, आज बहुत अच्छा धंधा हुआ, सारे डोसे बिक गए। वाह, कल से तुम्हें आटा बनाना होगा, ग्राहकों को हमारा अंडा डोसा बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है जी। सब बहुत खुश थे। अगले दिन भी वही हुआ। श्रीनू के आवाज लगाते ही ग्राहक अंडा डोसा खाने चले आते। श्रीनू का हाथ चलता ही रहता और आज बस 2 घंटे में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हुए। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अंडा डोसा मशहूर हो गया और श्रीनू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। श्रीनू की किस्मत जोरों में चल पड़ी थी। उसका परिवार अब बहुत ही संतुष्ट था। श्रीनू ने अब एक मिनी टेम्पो खरीद लिया था। अब वो साइकिल के बदले मिनी टेम्पो में अंडा डोसा बनाकर बेचा करता था। शहर भर में उसके अंडे डोसे के चर्चे थे। वो टेम्पो लेकर जहाँ भी जाता ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। रोज शाम को श्रीनू अपना मिनी टेम्पो लेकर पार्क के पास आता था। पार्क के पास पहले से ही छगन का डोसा स्टॉल था, पर श्रीनू के आते ही सारे ग्राहक उसके पास चले जाते थे। ना जाने इस अंडे डोसे वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया, इसके आते ही लोग भाग जाते हैं। मुझे इसे सीखना ही होगा। उस दिन जब श्रीनू का ध्यान नहीं था, तब छगन ने श्रीनू के डोसे के आटे में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब देखता हूँ लोग कैसे तेरा डोसा पसंद करते हैं। और फिर छगन अपने ठेले पर चला गया। श्रीनू इस बात से अनजान था। उसने हमेशा की तरह डोसा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने कस्टमर को दिया। वाह दोस्त, ये तो रोज के अंडे डोसे से कितना अलग है। तीखा और स्वादिष्ट, स्पाइसी अंडा डोसा। ये सुनकर श्रीनू ने अपना डोसे का आटा चखा और फिर पास पड़ी लाल मिर्च के पाउडर की शीशी देखी। जरूर किसी ने ये पाउडर आटे में मिला दिया है, पर कोई बात नहीं, लोगों को स्पाइसी अंडा डोसा भी पसंद आ रहा है। इसे बोलते हैं ना किस्मत, अंडा डोसा, स्पाइसी अंडा डोसा। और फिर से श्रीनू के टेम्पो के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया स्पाइसी अंडा डोसा खाना था। श्रीनू अंडा डोसा बनाते गया और ग्राहक खाते गए। सभी लोगों को स्पाइसी अंडा डोसा बहुत पसंद आ रहा था, सिवाय छगन के। ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इस अंडे डोसे वाले का बुरा करना चाहता था, पर गलती से मैंने ही इसका भला कर दिया। हे भगवान। श्रीनू के स्पाइसी अंडे डोसे बिक रहे थे, ये देखकर छगन को बहुत गुस्सा आ रहा था। पर अब वो करता भी तो क्या। छगन ने सोचा था कि वो श्रीनू का बुरा करके अपना अच्छा करेगा, पर उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया। आशा और रवि शहर में रहा करते थे। उनकी बेटी सुमन 5वीं में थी। रवि के पास अच्छी नौकरी थी। उनके पास रहने के लिए घर था। सुमन स्कूल जाया करती थी। लेकिन एक दिन रवि के साथ एक हादसा हो गया। वो साइट विजिट पर था जब ऊपर से कुछ बहुत भारी चीज उसके सिर पर गिरी और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। उस हादसे में इनकी कुछ नर्वस डैमेज हो गई हैं और इसी के कारण इनके आधे शरीर पैरालाइज्ड हो गया है। अब ये कभी पहले जैसे चल नहीं पाएंगे। उस
हादसे ने आशा और रवि की हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आशा को ही अपने घर की बगदौड़ संभालनी थी और रवि का ख्याल भी रखना था। आशा अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी। वो अच्छा खाना बनाया करती थी, इसलिए वो होटल में नौकरी ढूंढ रही थी। सर, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। आप क्या कर सकती हो? मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। ठीक है, अंदर आइए। होटल मैनेजर आशा को किचन में ले गया। क्या आपको चिकन करी बनाना आता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बनाइए। होटल मैनेजर वही खड़ा रहा और आशा चिकन करी बनाने लगी। कुछ ही देर में आशा की चिकन करी तैयार थी। ये लीजिए सर। होटल मैनेजर ने चिकन करी चखी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हम काफी समय से अच्छा बावर्ची ढूंढ रहे थे, आखिरकार हमें मिल गया। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, हम आपको 15,000 की सैलरी देंगे। जी सर। आशा बहुत खुश थी कि आखिर उसे नौकरी मिल ही गई। आशा घर लौटी। सुनिए, मुझे होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई और पगार 15,000 है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। रवि खुश था, पर अपने लकवे की वजह से वो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पा रहा था। वाह माँ, और आप पापा की भी चिंता मत करना। जब आप काम पर जाओगी तब मैं पापा का ख्याल रखूंगी। तुझसे यही उम्मीद थी मुझे, लेकिन पहले तो स्कूल जाएगी और फिर लौटकर पापा का ख्याल रखेगी। वैसे भी मुझे होटल 12 बजे जाना है, तब तक तू स्कूल से लौट आएगी। ठीक है माँ। आशा के मन में नई उम्मीद जगी। अगले ही दिन से आशा होटल में बावर्ची का काम करने लगी। उसे ये काम बहुत अच्छा लग रहा था। वो आने जाने वाले ग्राहकों को देखा करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी को लेकर उस होटल में आया। अरे रे रे रे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? खाना खाना खाने, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे चिकन खाना है। लेकिन क्या तुम बिल भर पाओगे? यहाँ एक चिकन की डिश 200 रुपए की है। क्या इतना महंगा? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला गया। ये देखकर आशा को बहुत बुरा लगा। ये गलत है, भले ही वो गरीब है पर क्या वो अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते? लेकिन वो कैसे खाएंगे? इस होटल में खाने के दाम ही महंगे हैं। काश कोई सस्ती जगह होती जहाँ अच्छा खाना मिलता। आशा अपनी सोच में डूबी थी। रास्ते में आते जाते आशा देखा करती थी कि गरीब लोग बस रास्ते पे वड़ा पाव, समोसा और फास्ट फूड ही खाया करते थे। गरीबों के लिए सस्ता घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलता, ऐसा क्यों? आशा को ये बात सता रही थी। खैर, वो अपना काम करती रही और हर महीने उसे समय पर पगार भी मिलती थी। आशा ने बड़े अच्छे से घर की बगदौड़ संभाल ली थी। सुमन स्कूल भी जाती थी और अपने पापा का ख्याल भी रखती थी। आशा होटल के काम के साथ घर का भी सारा काम करती थी। सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन आशा होटल में काम कर रही थी, तभी उसने देखा कि मैनेजर ने एक गरीब आदमी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। ये कैसी नाइंसाफी है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। आशा सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। वो घर लौटी और उसने आज का सारा किस्सा अपनी बेटी को बताया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब किसी गरीब के साथ ऐसा होता है। काश रोड पर भी अच्छा स्वादिष्ट सेहतमंद खाना मिल पाता जो गरीब लोग खा सके। रोड पर तो बस फास्ट फूड के ठेले रहते हैं। माँ, आप खुद ही क्यों नहीं स्वादिष्ट खाने का ठेला लगाती? क्या मतलब? आप बावर्ची हो और आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी। अगर आप ठेले पे अपना खाना बेचोगी तो गरीब लोगों को अच्छा खाना नसीब होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, और फिलहाल मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। मैं अपने खाने का दाम इतना कम रखूंगी कि गरीब से गरीब इंसान उसे खा पाएगा। बिल्कुल। आशा अपने पास जमा पैसे गिनने लगी। आशा ने उन पैसों से एक हाथ गाड़ी और कुछ डिब्बे खरीद लिए। माँ,
इन दोनों डिब्बों का हम क्या करेंगे? इन डिब्बों में हम खाना रखेंगे। ठीक है। अगले दिन आशा ने सुबह सुबह खाना बनाना शुरू कर दिया। माँ, इतना सारा खाना? हाँ सुमन, ये देख, स्टीम राइस, जीरा राइस, दाल, दो सब्जियाँ, चिकन और ये पनीर। वाह, पर आप इनके दाम क्या रखोगे? वेज थाली 30 रुपए प्लेट, पनीर थाली 40 रुपए प्लेट और चिकन थाली 50 रुपए प्लेट। वाह, फिर तो कोई भी आपके ठेले से स्वादिष्ट खाना खा सकता है। बिल्कुल। आशा ने सारे डिब्बों में खाना भर लिया और अपनी हाथ गाड़ी लेकर निकल पड़ी। उसने अपनी हाथ गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर लगा दी। स्वादिष्ट घर का बना हुआ खाना, वेज थाली, पनीर थाली, चिकन थाली। आशा को देखकर दो मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। चिकन थाली महंगी होगी। हाँ। नहीं भैया, बिल्कुल महंगी नहीं है। चिकन थाली 50 रुपए। बस मुझे एक चिकन थाली देना। और पनीर थाली कितने की है? पनीर थाली 40 रुपए और वेज थाली 30 रुपए। वाह बहन, इतना सस्ता। मुझे एक पनीर थाली देना। उन दोनों मजदूरों ने खाना खरीदा और उन्हें देखकर कई और मजदूर आशा के चलते फिरते होटल में स्वादिष्ट खाना खाने लगे। कुछ ही घंटों में उसका सारा खाना खत्म हो गया। वो निकल ही रही थी कि एक मजदूर उसके पास दौड़ कर आया। बहन, कल फिर से यहाँ आना। हाँ, अब से रोज आऊंगी। आशा खुश थी कि उसका खाना लोगों को पसंद आ रहा था। होटल में भी यही खाना बना रही थी, पर यहाँ जब आम लोग मेरा खाना खा पा रहे हैं, तो मुझे अलग ही सुकून मिल रहा है। भले ही मुनाफा कम है, पर खुशियाँ ज्यादा है। आशा रोज फैक्ट्री के बाहर आकर खाना बेचती। ऐसे ही वो कई और जगह खाना बेचने लगी। उसके खाने की डिमांड बढ़ चुकी थी और उसकी आमदनी भी। उसने अपने साथ दो और औरतों को काम पर रख लिया था। अब वो तीनों मिलकर खाना बनाती थी और एक के बदले तीन ठेलों पर खाना बेचा करती थी। ऐसा करते करते शहर के हर कोने में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बिकने लगा। आशा की एक शुरुआत अब धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बन रहा था। माँ, अब आपको एक होटल खोल लेना चाहिए। मेरे होटल है तो वो भी इतने सारे चलते फिरते होटल, जहाँ हर गरीब अच्छा स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना खा सकता है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। वो तो है। आशा ने ना सिर्फ अपनी परिस्थिति बदली, बल्कि उसने एक नई पहल की, रोड पे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बेचने की, और उसका चलता फिरता होटल कामयाब हो गया।